हेलो दोस्तों, तो मैं आपको बताता हूँ आज जो दीपक देख रहे हैं नहीं, हम कैसे पकाते हैं इसकी पूरी प्रक्रिया आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए नॉलेज भरी वीडियो लाते रहते हैं। तो सबसे पहले हमें ज़मीन पर क्या करना है, लकड़ी का जो छीलन या बुरादा होता है उसको हमें इस प्रकार कुछ बिछा लेना है, सबसे नीचे डालना है, मतलब ज़मीन पर सबसे पहले यही डाल लेना है। ज़मीन पर ओपन सिगड़ी लगाते हैं पकाने के लिए। कैसे लगाते हैं, तो ये लकड़ी का बुरादा है और आप देख सकते हैं इसे न रोड पर ही, मतलब रोड के बाजू से सड़क पर मिट्टी या पक्का भी हो तो चल जाएगा, उसके ऊपर डाल लेना है। और जो भी आपके पास कुछ जलाने की योग्य कचड़ा भी हो तो वो भी चल जाएगा। जैसे कि अब आप देख रहे होंगे ये कंडे के ओपले हैं, तो इनके ऊपर बिछाना है हमें, कंडे के ओपले लगाना है। क्रम बाय क्रम इन्हें बिछाने का तरीका भी अलग होता है, और ये डिज़ाइन है जो इनने हाथों से बनाई है, तो मैं बनाते कैसे हैं वो भी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। लेकिन फ़िलहाल अभी ये पके नहीं है, कच्चे हैं, इनके ऊपर गेरू पुता हुआ है जिससे कि ये लाल रंग के आपको मेहरूम कलर के दिख रहे हैं। तो यहाँ इन्हें कचड़े के रूप में एक रस्सी जो मतलब बांध बोला जाता है वो इन्हें मिला है डालने के लिए, तो ये इस पर डाल रहे हैं। और ये डालने के बाद इसके ऊपर कंडों को बिछाया जाएगा, बहुत ही सावधानी की पूर्वक काम किया जाता है। इसमें टूट फूट का और बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है। बड़ी मेहनत से दीपक बनते हैं एवं पकाए जाते हैं, इसके लिए काफ़ी ईंधन का भी उपयोग होता है। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पर इन्होंने जो रस्सी में बता रहा था जलाने योग्य वो इन्होंने यहाँ पर डाल दी हैं, और दीपक को अब इनके ऊपर रखा जाएगा। उससे पहले यहाँ पर जो मैंने आपको कंडे के ओपले दिखाए थे उनको इस पर बिछाया जाएगा। तो आप देखते रहें हमारे वीडियो में, ए टू जेड आप पूरा स्किप ना करें, देखें ध्यान से, आप यहाँ देख पाएंगे कि कैसे कच्चे दीपक को पकाया जाता है। तो यहाँ पर ये फटाफट कंडों को यहाँ पर इन्होंने डालना शुरू कर दिया है, आप देख सकते हैं। और अभी इन कंडों को ऐसे नहीं डालना है, अभी ये व्यवस्थित इनको मतलब व्यवस्थित तरीके से क्रम बाय क्रम ज़मीन पर बिछाएंगे, देखिएगा आप। और जो इनका तरीका है लगाने का वो भी तरीका बहुत ही अनोखा है, मतलब ज़रा सा भी गैप नहीं होना चाहिए अन्यथा आपका नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पर ये दीपक आ चुके हैं, यहाँ पर कच्चे दीपक, इन पर अभी गेरू मतलब पुता हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, वो रंग होता है जो एक प्रकार का कच्ची मिट्टी में। तो वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्डिंग कर दिया है जिससे कि आपके समय की बचत हो सके, लेकिन मेरा उद्देश्य आपको संपूर्ण जानकारी देना है, इसलिए मैंने वीडियो को कट नहीं किया है, मैं आपको पूरा वीडियो दिखा रहा हूँ, बस थोड़ा फास्ट फॉरवर्डिंग में कर दिया है जिससे कि वीडियो जल्दी जल्दी आपको, पर एक्चुअली जो चीज़ हो रही है वो आप तक देखिए आप तक पहुँचे। तो आप देख सकते हैं इनने कंडों को कितने क्रमबद्ध जमाया है ज़मीन पर। अब इसके ऊपर दीपक को रखा जाएगा, वो भी एक रखने की एक अलग कला है, उसमें कैसे रखना है, कितने दीपक रखना है, 4 से 5 दीपक रखते हैं, उसमें गैप देना है, तो किस प्रकार आग लगानी है, ये सब एक तरीका होता है जिसके माध्यम से ये कार्य संपन्न हो पाता है। जैसे कि यहाँ पर छोटे वाले दीपक आ चुके हैं, आप देख सकते हैं अभी ये कितने सुंदर लग रहे हैं, आपको लग रहा होगा ये पके हुए हैं, नहीं, पर ये कच्चे हैं, इनके ऊपर इस पर वो कलर होता है एक प्रकार का, वो कलर किया है जिसे इनमें अच्छी क्वालिटी में कलर बन सके। इसके लिए यहाँ इन्होंने कंडे बिछा दिए हैं, अब बारी आती है इनके ऊपर दीपक बिछाने की। तो आप देखिए दीपक को भी ऐसा नहीं है कि मन चाहा कहीं भी रख दिया, उसे रखने का तरीका और उसके ऊपर कितने दीपक मतलब एक साथ रखे जाएंगे उसका भी अनुमान, मतलब सब कैलकुलेशन के हिसाब से ही कार्य किया जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 3 से 4 या 5 दीपक ये एक के ऊपर एक रख रहे हैं, और इन्हें क्रम बाय क्रम जमाते चले जा रहे हैं। बीच में ये खुली जगह रखते हैं क्योंकि अग्नि प्रज्वलन जो इसमें होगी यहीं से होगी, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि आग जब लगाएंगे ना तो इसके अंदर ही यहीं से लगाएंगे, बीचा बीच से लगाएंगे, तो जैसे जैसे आग बढ़ती जाएगी वो पूरी तरह फैलती जाएगी अंदर ही अंदर, तो ये दीपक पकते हुए दिखेंगे। तो आप देखते जाइए, वीडियो को ज़रा भी स्किप ना करें, हम आपके लिए ऐसी वीडियो बहुत ही ध्यानपूर्वक बनाते हैं और कोशिश करते हैं आपको पूरा वीडियो समझ में आए, इसलिए हम बिल्कुल भी कट नहीं कर रहे हैं, बस फास्ट फॉरवर्डिंग कर रहे हैं जिससे कि आपका समय बच सके। तो आप देखिए इन्होंने फटाफट कितनी सुंदर आकृति गोल आकृति में इन्होंने जमाना स्टार्ट किया है, और छोटे जो दीपक हैं उन्हें
सबसे बाद में मतलब बाहरी तरफ वो डाला जाएगा। उनको जमाने के कोई क्रमबद्ध नहीं है, उन्हें मतलब कैसे भी किसी भी तरीके से बाहर की तरफ रखना है। तो गोल आकृति जब दिए हो जाएंगे तो आप देखते रहें। यहाँ पर छोटे दीपक डाले जा रहे हैं, तो बाहरी तरफ से डाले जा रहे हैं। इनका कोई मतलब जमाने का तरीका नहीं है, मतलब खास कैसे भी इन्हें डालते जाना है इर्द गिर्द। मतलब जो भी यहाँ पर बड़े दीपक जमे हुए हैं इनके बाहरी तरफ से इनको डालना है। देखिए बाल्टी से डाल रहे हैं लेकिन बहुत ही सावधानी से, अन्यथा ये चटक जाएंगे और पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। क्योंकि अभी ये कच्चे हैं, बहुत ही नाजुक हैं, थोड़ा सा भी इन्हें जोर का झटका लगा और इनका काम ख़त्म हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दीपक डालते चले जा रहे हैं और उसके बाद इसके ऊपर भी हम कंडों को बिछाएंगे। तो आप देखते रहिए कैसे पहले पूरी मतलब गोलाकृति में समान मात्रा में छोटे छोटे दीपक जो हैं ये पूरी तरफ डालना है, उसके बाद ही इनके ऊपर कंडे को दोबारा से बिछाना है। ऐसा नीचे बिछाया गया था, कुछ भी बाकी जगह नहीं थी, उसी प्रकार से ऊपर भी कंडों को कुछ इसी प्रकार डाला जाएगा। तो आप देख सकते हैं इन्होंने दीपक को यहाँ भी डालना शुरू कर दिया है और आप देख सकते हैं कि ये दीपक छोटे छोटे दीपक कितने बढ़िया लग रहे हैं और ये पकने के बाद मजबूत हो जाएंगे। अगर अभी आप इन्हें पानी में डालेंगे तो ये गल जाएंगे, लेकिन पकने के बाद ये बहुत ही मजबूत हो जाते हैं, जो कि पानी से नहीं घुरने वाले, मिट्टी मतलब पत्थर सख्त हो जाते हैं। हमारे घर घरों में जो मक्खी वगैरह आते हैं उनमें पानी भरने के पके हुए होते हैं, इसी प्रकार दीपक भी पकने के बाद इतना ही मजबूत हो जाता है। इतना मजबूत नहीं हालांकि, लेकिन वह पानी से गलेगा नहीं। तो आप देख सकते हैं लगभग लगभग छोटे वाले दीपक सभी जगह समान मात्रा में डाले जा चुके हैं। अब बारी है ऊपर से कंडा लगाने की, मतलब गोबर के उपलों को लगाने की। तो अब इन्होंने देखिए किस तरह यहाँ पर कंडा के उपले मतलब जो कंडा होता है उन्हें लगाना प्रारंभ कर दिया है और समान मात्रा में इस प्रकार से लगाना है कि कहीं पर खुला ना रह जाए। देखिए आप यहाँ पर ये फटाफट ये लगाने का सब चल रहा है। तो ये छोटे दीपक हैं जो समान मात्रा में चारों ओर मतलब गोला कुट्टी में उन्होंने डाले हैं। बीच में बड़े दीपक हैं और उसके बीच में थोड़ा सा खाली स्थान रखा गया है जिसके माध्यम से ही आग लगाई जाएगी। तो आप देखते रहें, आप
आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो देखिए पूरी तरह यहाँ पर कंडे लगभग लग ही चुके हैं, लेकिन अभी और दीपक आ चुके हैं। तो इन दीपक को कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि इन कंडों के ऊपर दोबारा से दीपकों को लगाया जाएगा और उसके बाद फिर कंडों को इसी प्रकार से रखा जाएगा। अभी जो कंडे लग चुके हैं इनके ऊपर दीपक को रखा जाएगा। बीच के स्थान में गैप रखा गया है, आप देख सकते हैं। तो यही प्रक्रिया होने के बाद फिर कंडों को इनके ऊपर रखा जाएगा और उसके बाद ही इसमें आग लगाई जाएगी। तो मैं यहाँ पर थोड़ा फास्ट फॉरवर्डिंग किया हूँ, आप देख सकते हैं उन कंडों के ऊपर दोबारा से दीपक को लगा दिया गया है और अब आग लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं वहाँ पर आग पहले से ही, मतलब कुछ कंडे हैं जो जला कर उन्हें अधजला, मतलब कह सकते हैं सुलगा कर रख दिया जाता है। देखिए थाली में भरकर अब इसको इसके बीचों बीच उन्हें डालना है। जैसे ही इसमें डाल देंगे उसके बाद इसके ऊपर कंडे लगाए जाएंगे और पूरे दीपक के ऊपर जो भी आपको ओपन दिख रहे हैं उनके ऊपर भी कंडा लगाया जाएगा। कुछ घास फूस वगैरह भी लगाकर इसके ऊपर मिट्टी का लेप कर दिया जाएगा, इससे कि यह आग अंदर ही अंदर जल जल कर बढ़ जाए। और सब क्रिया होने के बाद अब मैं आपको वीडियो यहां से सुबह दिखाता हूं, पूरी रात यह जलने वाली है। तो सुबह इस प्रकार से आप देख सकते हैं दीपक पक चुके हैं और इसमें से बाहर भी नज़र आने लगे हैं। तो इसके ऊपर जो मिट्टी का लेप लगाया गया था जो मैंने आपको बताया था वो इस प्रकार का। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं और हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।